नमस्कार, मैं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन भाई। 21 अगस्त को काफी बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे अहिरवार जाटों समाज के लोग। SC ST के लोग भी एकत्रित होंगे। वह मौन प्रदर्शन करेंगे, एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। उनका कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी फैसले में यह निर्णय दिया गया है, टिप्पणी की गई है कि SC ST के लोगों के मध्य अब वर्गीकरण कर दिया जाए, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। हालांकि आरोप लगाते समय वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी निर्णय की प्रति उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, पर उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है। क्रीमिलियर की बात सामने आ रही है, आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए जो क्रीमिलियर में आ गए हैं, वस्तुतः ही आरक्षण का लाभ छोड़ दें। वर्ग के लोग जो है SC ST के लोग हैं, वह स्वयं यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान अलग अलग मत सामने आए, परंतु उनका यह कहना था कि समाज जो निर्णय लेगा उन निर्णयों का हम पालन करेंगे और मौन एक जुलूस निकालेंगे, ज्ञापन भी सौंपेंगे। वक्ताओं ने क्रीमिलेयर को समाप्त करने और क्रीमिलेयर के तहत जो आरक्षण जिनको मिल रहा था उसको अलग करने की बात का समर्थन किया। उनका कहना था कि जिन जो अगड़े बन गए हैं, जिनको लाभ मिलकर जो परिवार आगे आ गए हैं, संपन्न हो गए हैं, अब उनको लाभ आरक्षण का नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जो अभी भी समाज के पिछड़े लोग हैं। कुछ लोगों का कहना था कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे सरकार हस्तक्षेप कर रही है। अलग अलग प्रकार के वक्तव्य इस अवसर पर दिए जा रहे थे। कुल मिलाकर आरक्षण बना रहे, यह उनका कहना था। हालांकि सरकार की तरफ से जो बात आई है, भारत सरकार की तरफ से, उनका भी यह कहना है कि आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा और आरक्षण जो है वह जारी रहेगा। अब सिर्फ समस्या कहां आ रही है वह यह है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है, क्या उनको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसी विषय को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसको परिवर्तित किया गया है, पर इस आदेश के विरुद्ध माननीय हमारी केंद्र की सरकार ने जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था उसके विरुद्ध उनने यह आदेश माननीय सरकार ने निकाला है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था उसको हम मान्य नहीं करेंगे। SC ST की समाज को जो आरक्षण यथावत मिल रहा है उसको वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय 2 अगस्त को लिया गया है उसी के संबंध में दिनांक 21 तारीख को दिन में 10 बजे से 2 बजे तक मौन धरना प्रदर्शन है। उसके बाद कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदय के नाम से, उसके बाद धरना समाप्त हुआ। कहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा? रैली के रूप में अंबेडकर चौक से चौक पर इकट्ठे होंगे। अंबेडकर चौक से पूरे दमोह शहर में भ्रमण करेंगे, उसके बाद ज्ञापन कलेक्टर महोदय से जाएंगे। भारत बंद भी कराएंगे? भारत बंद, पूरे भारत बंद का कल निर्णय लिया गया है सभी जगह। आपके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो कौन सी टिप्पणी की है? टिप्पणी है कि क्रीमिलेयर के लिए जो क्रीमिलेयर ने फायदा ले लिया है वो क्रीमिलेयर को फायदा ना देकर निम्न लेयर जो है उनको फायदा मिले, यानी आरक्षण आपके ही वर्ग को मिलना चाहिए। हाँ, मतलब आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसी के विरोध। चलिए ठीक है, आपसे अब सुप्रीम कोर्ट की बात पर आए तो ये हमें समझना चाहिए, जब एक IAS IPS का लड़का पढ़ता है
या उसका रहन सहन रहता है तो उसकी बात उसका स्तर देखिए, और एक मजदूर का बेटा जब पढ़ता है तो उसका स्तर देखिए, उसका जमीन आसमान का अंतर रहता है। तो जब किसी भी कॉम्पिटिशन में जब फाइट होगी तो वो आई एस अधिकारी का लड़का निकलेगा, ना कि मजदूरों का छोटे मोटे अपने जो कृषक हैं या मजदूर हैं उनका। तो ये विषय है, और ये विषय हमारे लिए भी है कि जिनने चार चार पांच पांच पीढ़ी से आरक्षण का लाभ ले लिया है उन्हें स्वतः ही बंद कर देना चाहिए। वो बिजनेस कर सकते हैं, 10-20 लोगों को रोजगार भी दे सकते, पर ऐसा नहीं। इसके बारे में बाबा साहब ने भी लिखा था, एक समय आएगा कि लोग इस पर कब्जा जमा कर बैठेंगे। अन्य वर्ग जो अन्य अपना वर्ग के जो गरीब हैं वो काम किससे में पूछा। तो सबसे बात चीज ये है, अब हमें उसको मौन दिवस में निकालना है कि क्या है। तो अब ये तो समाज के लोग हैं, उनको क्या निर्णय करना है। तो हमें हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि बात एक आरक्षण की नहीं है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं कि हमारे देश की शांति के लिए और एकता के लिए ठीक नहीं है। तो मैं सभी बुद्धिजीवियों से भी यही निवेदन करता हूँ कि हमारे वर्ग को स्पष्ट तरीके से समझाएं, किसी भी बात पर तुलना दें, क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। जैसे अपन बुंदेलखंड में बात करें कि दही को सांप बना, तो बात ये है। और जैसे हमारे समाज के लोग जो भी निर्णय करेंगे, मैं तो समाज का वर्ग का हिस्सा हूँ, मैं उसके साथ रहूँगा। बस ये है, पुनः आप लोगों से भी, आप लोग बहुत जिम्मेदारी है आपकी, सारी खबर आप रखते हो, तो आप भी ऐसे ऐसे मुद्दों को रखें कि लोगों को सही जानकारी पहुँचे। लोग किसी के कारण भड़काए में आए, कभी कभी क्या होता है शांति से जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, दंगा हो गया, तो आखिर वो नुकसान भी हमारे वर्ग को होगा। अगर हमारे वर्ग की छवि खराब होगी तो वो भी तो हमारे वर्ग का नुकसान है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद। समाज SC ST समाज पूरे देश व्यापी मौन जुलूस निकाल रही है, उसके संबंध में आज सभी समाज के बंधु बैठे हैं। और इसका आशय ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है, उस निर्णय से हमारी समाज आहत है, लेकिन सम्मान भी करते हैं हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि आप सही और गलत निचले स्तर पर पहुंचकर देखें, फिर उसके बाद में जो निर्णय है उस पर पुनः विचार करें कि यह विचार सही है या नहीं। दूसरा यह है कि जो क्रिमिनलाइज़ है, इसमें ये बात सही है, होना चाहिए। मैं इस पर जोर देता हूँ, यदि मैं कलेक्टर बन चुका हूँ और मेरा बेटा कलेक्टर बन चुका है तो मुझे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये 100% है, काट दीजिए। लेकिन जो आज गांव देहातों में परिस्थिति है, आप जाके देखिए, गांव देहातों में मजदूरी कर रहे हैं, उनको सबको परेशानी है, उनको आज भी आरक्षण से दूर वंचित है। पर उस जाति में जाति आरक्षण और वर्गीकरण नहीं कीजिए जिससे हमारी समाज को नुकसान होगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि पूरा भारत में एक है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास पार्लियामेंट में पूरे सांसद लोग इकट्ठे हो गए, SC ST के लोग गए कि हमारी समाज आहत है, हम लोग उस परिवेश से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, उस जाति धर्म से आते हैं जिसमें सारी की सारी कुरीतियाँ आज भी फैली हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वंचित हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वंचित हैं, देहातों में चले जाओ बहुत चीज़ है, लेकिन सरकारें मदद तो कर रही हैं, सरकारों को फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को इसमें भी ध्यान दिया जाए। और साथ में ये भी है कि सरकार जो भी सरकार के माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ पे सांसदों से मिलकर कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ प्रतिबद्ध हैं, सरकार आपके साथ है, तो सरकार ऐसा नहीं, सरकार ने पहले भी कहा है
कि आरक्षण हम कतई भी खत्म नहीं करेंगे और संविधान की जो बात चलती है कि संविधान खत्म हो रहा है, न संविधान खत्म करेंगे। माननीय मोदी जी, माननीय अटल जी की जो सरकार थी पहले, 70 साल है सरकारें रही, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बाबा साहब को जब भारत रत्न की बारी आई तो सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको सम्मान दिया, भारत रत्न दिया, तो हमारी सारी समाज पूरी उनके लिए धन्यवाद देती। लेकिन आज जो माहौल बना है, एकाएक जो माहौल बना है, उसके लिए हम सभी एकजुट होकर सबके साथ खड़े हैं, गलत के साथ कोई भी लोग नहीं खड़े। यदि सत्य है, सरकार साथ में है, पूरे लोग साथ में है, तो हम लोग उनके साथ में हैं। We'll be right back.